अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक महान खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हर्षदीप सिंह ने फेंकी 5-9 गेंदें, बने भारतीय टीम के हार के सबसे बड़े विलेन तो भड़क गए महेंद्र सिंह धोनी। भारतीय टीम के दिल तोड़ने वाली हार के बाद जहां हर्षदीप सिंह पर मैच फिक्सिंग के आरोप लगाए जा रहे हैं, तो वहीं महेंद्र सिंह धोनी ने भी हर्षदीप सिंह को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिसे सुनकर आपको भी अपने कानों पर यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। तो क्या कुछ कहा है महेंद्र सिंह धोनी ने हर्षदीप को फटकार लगाते हुए, उसका पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या में से सबसे बेहतरीन कप्तान कौन है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे दूसरे T20 मैच में भारतीय टीम ने मैच शुरू होते ही दूसरे ओवर में लगभग मुकाबला अपने हाथों से गवा दिया था। जी हाँ, ऐसा हम नहीं कह रहे बल्कि ऐसा इंटरनेट पर बातें हो रही है, क्योंकि भारतीय टीम के सबसे बेहतरीन T20 गेंदबाज माने जाने वाले हर्षदीप सिंह ने दूसरे ओवर में ऐसी गलती की जैसा क्रिकेट के 100 सालों से भी अधिक के इतिहास में नहीं हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें हर्षदीप सिंह ने लगातार एक के बाद एक नहीं, दो नहीं बल्कि 3 9 गेंदें फेंकी, जिसके हिसाब से महज एक गेंद में हर्षदीप सिंह ने 14 रन उठा दिए। यहीं से श्रीलंका को मोमेंटम मिल गया और भारतीय टीम मैच में बहुत पीछे चली गई। लेकिन दोस्तों, ये तो महज शुरुआत थी, इसके बाद ही सभी हर्षदीप सिंह से नाराज थे। लेकिन जब हर्षदीप अपना दूसरा ओवर लेकर आए तो उस ओवर में भी उन्होंने लगातार 2 9 गेंदें फेंककर क्रिकेट का इतिहास पलटते हुए T20 मैच में सबसे अधिक 9 गेंदें फेंकने के मामले में उन्होंने सभी को पीछे छोड़ दिया। केवल इतना ही नहीं, महज 2 ओवर के कोटे में हर्षदीप सिंह ने 37 रन लुटा दिए और भारतीय टीम की हार के सबसे बड़े गुनहगार बने, जिसके बाद हर तरफ उन्हें खरी खोटी सुनाई जा रही है। वहीं हद तो तब हो गई जब उन पर मैच फिक्सिंग के आरोप लगने लगे। लेकिन दोस्तों, इन्हीं सबके बीच भारत के महान कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने भी हर्षदीप सिंह को फटकार लगाई है। आपको बता दें, उन्होंने कहा है, कल जो हुआ उस पर भरोसा कर पाना मुश्किल है। गेंदबाजों का दिन खराब होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यदि आप अपना रिदम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं उसके बावजूद ऐसी गलती करना सच में गुनाह है। 1 या 2 9 गेंदे तो हर कोई करता है, लेकिन 5 बार यही गलती दोहराना अविश्वसनीय है। जी हाँ दोस्तों, केवल इतना ही नहीं, उन्होंने आगे बात करते हुए कहा है कि आपको अपने बेसिक नहीं भूलने चाहिए और वही गलती हर्षदीप ने की। यहाँ किसी को हार का गुनहगार नहीं बताया जा रहा, लेकिन नो बॉल करना किसी गुनाह से कम नहीं है। खेल के इस पहलू पर इस खिलाड़ी को बहुत ध्यान देने की जरूरत है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि हर्षदीप सिंह भारतीय टीम की हार की सबसे बड़ी वजह थे, हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।